Hello learners, welcome to AP classes. My name is Apurva and in today's class we are going to learn class 11th mathematics. Aaj ki class hum chapter 1 se start karenge aur aaj 1.1 exercise ko hum complete karenge. So let's start. Pehla chapter jo hai wo hamara sets ka hai. To pehli baat jo banti hai wo hai ki sets bhai hota kya hai. Ye hame pata hona chahiye ki what is a set. To definition ke liye मैं पहले आपको स्टेटमेंट लिख देती हूँ और फिर मैं आपको समझाऊंगी वन बाय वन कि भाई ये कहती क्या है. तो सेट एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ये है, अ कलेक्शन. ये अपने नोट्स प्लीज बना लेना, साथ के साथ आप लिख लेना अपने नोटबुक में, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. अब ये एक सेट है, एक सेट एक स्ट्रक्चर होता है, कोई ढांचा है. जैसे एक नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1, 2, 3, 4 हो. इंटीजर क्या होते हैं, जो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, यही होता है. प्लस क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए. सिमिलरली सेट क्या है, सेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ कलेक्ट कर सकते हैं. तो कैसा है, एक कलेक्शन है. अब कलेक्शन का मतलब होता है कुछ भी कलेक्ट करना. जैसे आपने कलेक्ट कर रखे होंगे इस वैलेंटाइन डे पे आपको कितने गिफ्ट्स मिले, वो सारे आपने कलेक्ट करके रखे हैं, तो उसका मतलब कलेक्शन. या आपने कलेक्ट करके रखा होगा कि आपने पहली मूवी देखी थी उसकी टिकट, है ना. आप पहले किसी एडवेंचर पार्क गए थे उसकी टिकट आपने कलेक्ट, भाई किसी का टिकट कलेक्शन का शौक होता है. तो पहली मूवी टिकट, पहली एडवेंचर पार्क की टिकट, पहली फ्लाइट की टिकट, पहली ट्रेन की टिकट, पहली बस की टिकट, इन सब टिकट्स को कलेक्ट करके रख लिया, उसका मतलब क्या हो गया, कलेक्शन. किसने रखा, आपने, तो आपने उस कलेक्शन को क्रिएट किया है. सेट भी क्या करता है, कलेक्ट ही करता है. मैथमेटिक्स में कौन कलेक्ट करता है, सेट करता है. तो सेट भी कलेक्ट करता है, किसको करता है, उसके पास भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है. लेकिन वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, डिफाइन के. अभी मैंने आपको बोला टिकट कलेक्ट करना, डिफाइन तो कर दिया कि क्या कलेक्ट किया, टिकट कलेक्ट किया, लेकिन क्या वो वेल डिफाइन है. वेल डिफाइन का मतलब होता है कि भाई जिसका आंसर जो है वो सेम हो फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए जिसका आंसर सेम हो. एग्जाम्पल के तौर पे आप ये चीज समझो, आपसे अगर ये पूछा जाए मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑन अर्थ, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप किसका आंसर दोगे, मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑन अर्थ. अब भाई कोई बोलेगा ऐश्वर्या राय, कोई बोलेगा मेरी मॉम, कोई अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेगा, तो ये सबके लिए अलग अलग आंसर है. तो क्या ये वेल डिफाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने स्टेटमेंट दी कि हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ऑन द अर्थ, ये वेल डिफाइन है. तो आप नहीं है तो आप क्या लिखोगे, नॉट वेल डिफाइन, हम नहीं बता सकते. भाई मेरे हिसाब से कुछ और आंसर है, तुम्हारे हिसाब से कुछ और आंसर है, सबके लिए अलग अलग आंसर है, डन है. तो वेल डिफाइन होता क्या है, कैसी स्टेटमेंट होगी. अब मान लो ऐसे स्टेटमेंट मैं आपको दे दूं, स्टेटमेंट में आपको लिख दिया वोवल्स बताने आपको, किसके, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के. इंग्लिश अल्फाबेट्स के आपको वोवल बताने हैं, तो क्या ये वेल डिफाइन है. हाँ जी ये वेल डिफाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आंसर जो है सबके लिए सेम है. कौन कौन से वोवल आएंगे भैया, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये रहे भैया. ये आप भी यही बताओगे, मैं भी यही बताऊंगी, आपका पड़ोसी भी यही बताएगा अगर उसे आता होगा तो. बट आप समझ गए ये कैसी स्टेटमेंट है, ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है. तो सेट के अंदर जब भी आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप कभी भी फाइव मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ नहीं कलेक्ट कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग आंसर है. तो वो जो कलेक्शन आएगा वो सेट नहीं बनेगा. तो कलेक्ट करना है कुछ, तो हमें एकत्रित करना है, कैसी चीजें एकत्रित करनी है जो वेल डिफाइंड हो. आगे क्या बोला है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए, रिपीट नहीं करोगे. मैंने आपसे पूछा कि वोवल्स बताओ, तो आप इसमें दो बार नहीं लिखोगे कि ए ए, रिपीट नहीं करनी है, एक ही बार लिखोगे. तो डिस्टिंक्ट का मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड,
यहां आप लिखोगे रिपीटेशन नॉट अलाउड, डन है। उसके बाद देखो नंबर्स नहीं लिखा है, एलिमेंट्स लिखा है। एलिमेंट एक मोर एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ये ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स, मैथमेटिक्स में सिर्फ नंबर नहीं होते। ये देखो ए ई आई ओ यू अल्फाबेट है, तो या आप एलिमेंट लिख लो या फिर इसको ऑब्जेक्ट्स लिख लो। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, डेफिनेशन मेरे साथ में लिख ली है और रिपीट करेंगे। व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, किसका ही कलेक्शन? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। समझ आई ये चीज? इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके बाद आता है आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? किसी भी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे कि ए बी सी एस एक्स एंड ई टी सी, हमेशा एक सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और उसके एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट्स को आप छोटे लेटर से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि एग्जाम्पल आप लिखोगे ए बी सी सो ऑन। समझे क्या? अब एक सेट हो गया, और इसको लिखेंगे कैसे? सेट को आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे और एलिमेंट्स यहां लिखोगे, जैसे ए ई आई ओ यू, कॉमा से आपने सेपरेट कर दिए। ये सेट की रिप्रेजेंटेशन है, कर्ली ब्रैकेट्स और कॉमा से ये एक सेट बन गया। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आती है, एक चीज आती है जिसका नाम है, एक टर्म है जिसका नाम है बिलोंग्स टू। इस बिलोंग्स टू का मतलब बताओ क्या होता है? जैसे कि हम अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप मेरी हो, या मॉम आपको बोलती है कि बेटा तू मेरा है, तो यानी तुम मुझसे बिलोंग करते हो। या और अगर हम कक्षा में चले जाएं तो आजकल लड़के लड़के एक दूसरे को बोलते हैं इसे में कि तू मेरा है या तुम मेरी हो, तुम मुझसे बिलोंग करती हो। तो उसका तात्पर्य मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल सिंबल, इस बात को बोलने के लिए जो मैथमेटिकल सिंबल यूज होगा वो सिंबल है ये बिलोंगिंगनेस का सिंबल है, यानी ई, स्मॉल ई टाइप का है ये, सी के बीच में डंडा। इसका तात्पर्य क्या है? बिलोंग्स टू। और इसका नाम क्या है, बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एप्साइलन। ये एप्साइलन सिंबल है, ये एक सिंबल है। जैसे थीटा एक सिंबल होता है, भाई ये सिंबल को क्या बोलते हैं? थीटा, यही बोलते हैं, टेन थीटा कॉस थीटा। इस सिंबल को थीटा बोलते हैं, सिमिलरली इस सिंबल को एप्साइलन बोलते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे कि भाई एक सेट के अंदर कौन बिलोंग कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये जो सेट था, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है ए, ए बिलोंग कर रहा है सेट एस में। इसका मतलब है ए एलिमेंट जो है वो एस में है। इसका तात्पर्य क्या है? ए इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट एस। एस सेट से बिलोंग कर रहा है, या फिर एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट एस के अंदर बैठा हुआ है, सेट एस के अंदर है। ये देखो ए बैठा हुआ है इस सेट के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि ए बिलोंग कर रहा है एस के अंदर। ये नोटेशन समझ आ रही है आपको? तो ये दो तरीके से होती है, एक होती है ये, ठीक है, दूसरी होती है ये। इसका तात्पर्य है बिलोंग्स टू, कि भैया फलानी चीज फलाने चीज से बिलोंग कर रही है। यहां पे हम फलानी चीज क्या पढ़ रहे हैं? सेट पढ़ रहे हैं, सेट और एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एक एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, तो आप ऐसे लिखोगे। इसका तात्पर्य है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सब अपने नोट्स बनाने हैं, सिर्फ यहां देखेंगे नहीं, नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है,
डज नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या होता है कि मान लो पीछे जो सेट था आपका सेट एस था जिसमें एलिमेंट थे ए आई ओ यू, अब इस सेट के अंदर बी एलिमेंट कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, तो आप लिखोगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस, बी सेट एस में बिलोंग नहीं कर रहा। क्या तुम ये समझ पा रहे हो ये चीज? तो ये दो चीज है, सेट समझ लिया, एलिमेंट समझ लिया और बिलोंगिंगनेस का मतलब समझ लिया। अब और किस टाइप के सेट हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सेट के फर्दर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपसे पूछा जाए ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, क्या आप इनको एक सेट फॉर्म में लिख सकते हो? भाई जितनी भी आपको रिवर हैं, क्या सारी क्या यहाँ नाम आ जाएगा? गंगा यमुना ईटीसी, जितनी भी है सारी लिख देना, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी, जितनी भी रिवर्स हैं, बड़ी रिवर छोटी रिवर, आप सारी लिख सकते हो। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या नाइल रिवर बिलोंग करती है एस सेट से? नाइल रिवर नहीं भैया, ये भारत की रिवर नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस, समझे क्या? अब आपने यहाँ पे दो चीज देखी होंगी, एक मैंने लिखा ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये लिखी, ये भी सेट बता रही है, दूसरी ये लिखी कि मैंने रिवर का नाम लिख दिया गंगा यमुना एंड सो ऑन। तो यहां से एक चीज निकल के आती है, एक बात निकल के आती है, वो कहते हैं कि सेट को आप दो प्रकार से लिख सकते हो, सेट के दो फॉर्म है, इस चीज को समझो, सेट के कितने फॉर्म है? दो फॉर्म है भाई, कौन कौन से? एक है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नए नए नाम देख के घबराना नहीं है, सीखेंगे हम कि होता क्या है, सेट सीख लिया अब ये चीजें भी सीखेंगे। ये क्या कहता है कि किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबल के फॉर्म में लिख दो, उसे कहते हैं उसकी फॉर्म है, एक सेट की फॉर्म है, जैसे आपके दो फॉर्म है, एक घर पे आपका नेचर कुछ अलग है, क्लास में कुछ अलग है, तो हो तो आप ही है, तो ओरिजिनल पर्सन तो आप ही हो, लेकिन कक्षा में कुछ और घर पे कुछ और, बात बराबर ही है, दोनों हैं ही एक इंसान, तो वो अलग अलग रूप है, अलग अलग फॉर्म है आपकी, एक क्लास फॉर्म एक होम फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम ही चीज है सेट की। रोस्टर फॉर्म का तात्पर्य होता है इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं बाय कॉमा, कॉमा से आप एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो और कर्ली ब्रैकेट में पुट कर देते हो, जैसे अभी मैंने सेट लिखा जिसमें हमने ए आई ओ यू लिखा, तो ये मैंने कॉमा से सेपरेट किया, तो जो भी हमने एग्जांपल लिया ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। अब आपके पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? फिर ये कहती है कि भैया मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगी क्या हूं, मैं धीरे धीरे सेट बिल्ड करेंगे, आप कक्षा में आके एकदम से नहीं बता देते हो मैं क्या हूं, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो? सेट को बिल्ड करते हो, तो वही ये कार्य करती है। ये कहता है कि ए ये जो है इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टी आती है, ये क्या डिनोट करता है? प्रॉपर्टी बताता है ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दी सेट, ये उस सेट के सारे एलिमेंट्स के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है वो बता देता है सिर्फ, बाकी तुम खुद लिख लो। कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी? कॉमन प्रॉपर्टी ये है ए के अंदर वो सारे एक्स एलिमेंट है, एक्स कैसा नंबर है? वेरिएबल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कॉलन लगाया, कॉलन का तात्पर्य होता है सच डेट, इस कॉलन का मैथमेटिक्स में मतलब होता है सच डेट, या और शॉर्ट लिखो एसटी। तो वो सारे एक्स सच डेट, इस ए सेट में वो सारे एक्स आएंगे सच डेट एक्स इज वोवल। एक्स क्या है? वोवल है, किसके अंदर? इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर एक्स जो है वो एक वोवल है, वो सारे एक्स, एक्स फिक्स नंबर नहीं है, वेरिएबल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी क्या आएगा? यही आएगा ए आई ओ यू। तो ये दोनों सेट बराबर हैं, ये सेट और ये सेट दोनों बराबर हैं, बट रूप अलग है इनके,
आप सेम हो बट आपके रूप अलग हैं घर पे और क्लास में, तो सेम चीज है। रोस्टर फॉर्म इज दिस, एकदम ओपन, ऐसे बिखरे पड़े एलिमेंट सामने सामने, जैसे आप घर में बिखर जाते हो तो सबको, घर वालों को सब पता है कि भैया आप कौन हो। लेकिन जब आप स्कूल में आते हो तो आपकी एक पर्सनालिटी होती है कि मुझे ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं बिहेव करना है। तो वही चीज है सेट बिल्डर फॉर्म की, तो एकदम ओपन होके नहीं दिखाएगा, अपनी बस छवि बता देगा कि भैया इतना सा देख लो, बाकी तुम समझ जाओ। तो ये होती है सेट बिल्डर, मैं बिल्ड कर रहा हूं अपना कुछ, मैं अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर रहा हूं, तो उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कहते हैं हम तो रोस्ट होने के लिए तैयार हैं, हम रोस्ट होने के लिए तैयार हैं, हम बिखरे पड़े हैं, तो ये एलिमेंट्स बिखरे पड़े हैं, कॉमा से सेपरेटेड है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी का नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म। समझ गए, एक ही सेट को दो चीज लिखने के तरीके, डन है। इसके बाद अब हम करेंगे एग्जाम्पल, इतनी थ्योरी है आपकी पहली एक्सरसाइज की। सेट पढ़ लिया क्या होता है, सेट क्या होता है एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेट एक कलेक्शन है, एकत्रित करना है किनको, वेल डिफाइंड, जिन्हें हम अच्छे से डिफाइन कर सके, ऐसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ऑल्सो सेट के अंदर दो टाइप की फॉर्म होती है सेट को लिखने का, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, डन है। एक हमने साइन पढ़ा है बिलोंग्स टू वाला, वो मतलब समझ आ गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है, किस फॉर्म में, सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो यानी जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको सेट की फॉर्म में लिख देना है, रोस्टर फॉर्म में। सेट भी कैसा होगा, रोस्टर फॉर्म। अब एक बात बताओ, इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। कैसी इक्वेशन है भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डिग्री कितनी है एक्स की, दो है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, एक्स का स्क्वायर। देखो यहां एक्स की पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर जीरो है, ये टू है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, दो डिग्री है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है भाई, वो सारे एक्स जो इसको सेटिस्फाई करते हो वही इसका सॉल्यूशन होता है, ये तो हमें पता ही है। तो यहां से इसको हम कैसे लिखेंगे, ओपन करो, ये आ गया आपका एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। फैक्टराइज कर दोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू, एड करोगे तो प्लस वन, यही आ गया। तो आपके पास रूट्स क्या आ गए यहाँ पे, माइनस टू कॉमा वन, ये सॉल्यूशन आ गए। अब इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, तो सेट एस रोस्टर फॉर्म में, दो ही एलिमेंट है तो बिखार दो एलिमेंट्स को कॉमा के फॉर्म में, ये रोस्ट कर दिया हमने, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यही आपका सॉल्यूशन सेट है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, डन है, समझ आ गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेट, अब सेट दे रखा है और अब तुम ये बता दो ये सेट किस फॉर्म में है, ब्रैकेट्स हैं। सेट देखो कैसा है, एक्स सच डेट, एक्स की प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। इसका तात्पर्य होता है कि तुमसे मान लो करेक्टरिस्टिक बताई जाए कि तुम्हारी कक्षा के इस छात्र की या इस छात्रा की ये करेक्टरिस्टिक है भैया, कि वो ऐसा दिखता है, ऐसे काम करता है, वो इतना पढ़ने में है, वो इतना लेट आता है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे बैठता है, वो ऐसे बात करता है, तुम्हें उसकी सारी करेक्टरिस्टिक बता दी जाए, तो क्या आप उसका नाम बता दोगे, बता सकते हो। तो वही है कि ये सेम ही सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे जिनका स्क्वायर करोगे तो वो 40 से कम आएंगे। अब एक चीज समझो, एक होता है नेचुरल नंबर का सेट, ये एक नेचुरल नंबर का सेट ही तो है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, वन टू थ्री सो ऑन। एक होता है होल नंबर, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, जीरो से, जीरो वन टू थ्री सो ऑन। एक होता है इंटीजर सेट्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, जीरो भी होता है, वन टू और नेगेटिव भी होते हैं दोनों साइड। फिर इसके बाद आता है आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सेट है ये सारे, सेट बता रही हूं मैं,
ये सेट क्या होंगे, पी बाई क्यू फॉर्म के होंगे, तो भैया ये पी बाई क्यू फॉर्म के होंगे सच डेट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और पी बिलोंग्स टू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का शब्द का यूज कर रही हूँ, ये ध्यान से सुनेंगे, क्या बताया मैंने, क्यू के अंदर पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट होते हैं, पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो क्यू कैन नॉट बी जीरो, यही होते हैं रैशनल नंबर। इसके बाद आपके पास आते हैं रियल नंबर, ये क्या चीज है भैया, ये पूरे रियल नंबर लाइन पर है, ये जो पूरी रियल नंबर लाइन होती है ये रियल नंबर का सेट है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी, इंटरवल फॉर्म में आप लिखते हो, तो ये अलग अलग आपके सेट है। अब आपसे पूछा गया पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर जो सिर्फ पॉजिटिव है, तो आप यहां से लिखोगे 1 2 से, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, इस चीज का ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास हो पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी आपके पास जेड पॉजिटिव पूछा है, यानी आपसे नेचुरल नंबर पूछा है, समझे, पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो तो ना ही नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, तो जीरो नहीं काउंट होगा इसमें, तो नेचुरल नंबर। लेकिन अगर एक और टाइप की चीज होती है, अगर आपको कहीं बोला जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो जीरो तो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसने बोला कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये बनता है होल नंबर। इन दो स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है ना, पॉजिटिव जब भी बोला जाए, पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जीरो से शुरू होंगे होल नंबर, यहां तक क्लैरिटी है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भैया सेट बिल्ड कर दो, बहुत देर हो गई है, सेट बिल्ड कर दो एक्स स्क्वायर, वो सारे पॉजिटिव यानी वो सारे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर 40 से छोटा हो। अब ये देखो, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 40, 2 का स्क्वायर 4 लेस देन 40, 3 का स्क्वायर 9 लेस देन 40, 4 का स्क्वायर 16 लेस देन 40, 5 का स्क्वायर 25 ये भी लेस देन 40, 6 का स्क्वायर 36 ये भी लेस देन 40, 7 का स्क्वायर 49 This is not less than 40. तो कौन से नंबर लिखोगे अब आप मुझे बताओ, सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे, ये वाले आएंगे 1, 4, 9, 16, 25 या ये आएंगे 1, 2, 3, 4, स्क्वायर वाली टर्म, ये वाली टर्म नहीं आएगी सेट में, सेट में तो भैया एलिमेंट वो लिखने हैं जिनका स्क्वायर छोटा हो, तो एलिमेंट इनिशियल एलिमेंट कौन है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बस 6 तक ही आएंगे, तो ये आपके पास सेट आ गया, ये आपका आंसर है, समझे। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर जैसे ही करोगे वो छोटा नहीं है, स्क्वायर क्या होगा ये नहीं पूछा कि स्क्वायर बताओ, वो एलिमेंट बताओ जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है, बस इतना ही पूछा है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, 6 तक वो एलिमेंट है, 1 से लेके 6 तक, ये कौन सी फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म तो दे ही रखी थी, इसको बस इसमें चेंज कर दिया, डन है, कर लोगे, आगे चले नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, इस सेट को अब सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब तुम्हें नाम दे दिया, कक्षा में एक लड़का है जिसका नाम है सचिन, अब आपसे पूछा गया है सचिन भाई साहब की करेक्टरिस्टिक बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, तो ये बिखार दिया सचिन को, अब इसकी प्रॉपर्टी बतानी है यानी सेट बिल्ड करना है, तो क्या प्रॉपर्टी है इसकी बताओ, इसके एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, 1, 4, 9, 16, 25 अगर आप देखोगे तो ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी एलिमेंट्स का स्क्वायर होता जा रहा है भैया, एलिमेंट नहीं है उनके स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आपके पास कॉमन प्रॉपर्टी क्या आएगी, कैसे लिखोगे, x सच डेट, वो सारे x सच डेट, x किसके बराबर है, n स्क्वायर के, किसी के स्क्वायर के बराबर है, एन कौन है, एन कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, यही लिखोगे, नेचुरल नंबर ही तो है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का स्क्वायर है, तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, यही आंसर है, इतना सही, बस एक लाइन का आंसर है, खत्म, समझ आया, आगे चले। अगला क्वेश्चन भी सेम है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म,
इसको फिर से इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखो सेट एस इज इक्वल्स टू कैसे एलिमेंट है, 1/2, 2/3, 3/4। अगर आप ऊपर के एलिमेंट देखोगे तो 1 से लेके 6 तक है, और नीचे के एलिमेंट में एक एक ऐड कर रखा है। 1 है तो 1+1 2, 2 है तो 2+1 3, 5 है तो 5+1 6, यही है। तो यानी वो सारे x, x वेरिएबल है कोई भी, सच डेट x किसके बराबर है, ऊपर है n, नीचे है n+1, यही है। और n कहां से कहां है, n नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करता है, और दूसरी चीज n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जा रही है, ये बात भी तो बतानी है। तो n कहां से कहां तक है, 1 से 6, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो ये लाइन भी लिखोगे कि n की वैल्यू 1 से 6 के बीच में है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही लिख दोगे। बस ये हो गया आपका आंसर, डन है, खत्म है। ये चीज और ऊपर वाली चीज बराबर है, वो रोस्टर फॉर्म में दे रखी है, ये हमने सेट बिल्ड कर दिया। आगे चलें, प्लीज लिखते रहना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। नेक्स्ट इज मैच करना, ये एग्जांपल 5 है, लास्ट एग्जांपल है, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट इधर है, 4 स्टेटमेंट इधर है, ये बिखेर के दे रखा है, यानी टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और ये उसकी प्रॉपर्टीज है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म है। मैच द फॉलोइंग बतानी है कि किस पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज है। सोचो तुम अपनी कक्षा में गेम खेल रहे हो कि आपने ये प्रॉपर्टी गिनवाई और पूछा कौन है बताओ, आंसर बताओ, तो वही चीज है कि ये प्रॉपर्टी है। अब तुम सीधी सीधी चीज देखो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है, ये लेटर है PRINCAL, ये कहां से आए, ये एक वर्ड था प्रिंसिपल, ये रहा, इसके जितने भी वर्ड्स थे वो मैंने कॉमा से अलग अलग लिख दिए। अब तुम इसमें कहोगे आई दो बार आया है, दो बार आया है ना, दो आई हैं आपके पास, लेकिन आप यहाँ पे एक ही बार आई लिखोगे। रिमेंबर सेट की डेफिनेशन क्या कहती थी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, सेम नहीं। तो इसका मतलब ये डी में आ गया है ना, इसके अलग अलग वर्ड बनाओगे तो क्या बनेगा, पी है, आर है, आई है, एन है, सी है, वापस से आई आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, फिर से पी आ गया, रिपीट नहीं करेंगे, ए है, एल है, ये 7 वर्ड हैं, ये 7ों के 7 वर्ड हैं यहाँ पे, ये रहे। तो ये डी को मैच कर गया। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बताओ, कौन बताएगा। सेकंड कहता है 0, 0 किसका आंसर है इनमें से, देखो एक्स पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18, 18 का डिवाइजर है क्या 0, नहीं। एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है, और किसको सेटिस्फाई करता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ गई +-3, तो 0 तो यहां भी नहीं आई। नेक्स्ट एक्स एक ऐसा इंटीजर है, सच दैट एक्स प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 1-1, डेट इज 0, तो यानी 0 किस में मैच कर रहा है, सी में। नेक्स्ट आपके पास 1, 2, 3, 6, 9, 18 क्या है, ये इंटीजर है पॉजिटिव, और सारे के सारे 18 के डिवाइजर हैं कि नहीं है, देखो सारे डिवाइजर है 1, 2, 3, 6, 9, तो ये इसको मैच कर गया। और लास्ट है 3, -3, 3 और माइनस 3 किसका सॉल्यूशन था, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाले का, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, कर दिया मैच द फॉलोइंग। सबकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी किसकी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ आया, एक्सरसाइज करें, स्टार्ट करें। ओके चलो, पेन नोटबुक के साथ बैठेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से सेट कौन से हैं, और अपना उत्तर को जस्टिफाई कर देना। पहली स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, जे लेटर से शुरू होने वाले सारे के सारे महीने लिख दो भाई। तो मैंने तो लिख दिया, तुम अपने में लिखो, मैंने लिखा जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा तुम्हारा और कोई आंसर है क्या, नहीं, सबका सेम है, यही वो शब्द हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो क्योंकि सबका सेम है तो क्या पहला सेट बना रहा है, यस, क्यों, क्योंकि वेल डिफाइंड है, डन है। दूसरा देख लेते हैं, सेकंड क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, भारत के 10 एकदम टैलेंटेड राइटर, 10 के नाम भी पता है तुम्हें, चलो नहीं भी पता, बट हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो,
तुम शायद कबीर मुंशी प्रेमचंद सुनते हो, कोई और कुछ और सुन कुछ और राइटर की बुक्स पढ़ता हो, तो सबके लिए ये जो मोस्ट 10 टैलेंटेड हैं राइटर्स ये डिफरेंट है। तो जहां भी वर्ड आ जाए ना, मोस्ट बेस्ट बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, तो ये वर्ड कुछ डिफाइन नहीं करते, तो यहाँ से डेफिनेशन नहीं है। तो आप लिखोगे नॉट अ सेट, और जस्टिफिकेशन ये है बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है। कौन वेल डिफाइंड नहीं है? दी वर्ड मोस्ट, मोस्ट जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है भैया, इसलिए मैं नहीं बता सकती ये इसका उत्तर। सिमिलरली नेक्स्ट पूछा गया है कि टीम बनानी है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में टीम बनानी है, 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के क्रिकेट के बैट्समैन की टीम बनानी है, 11 बेस्ट। अब तुम्हारे लिए कुछ और होंगे, फलाने के लिए कुछ और होंगे, मेरे लिए कुछ और होंगे, सबके लिए अलग अलग हैं। तो अगेन क्योंकि बेस्ट है तो सेम रीजन आएगा इसका भी, थर्ड भी सेम रहेगा, नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि बेस्ट वर्ड जो है इज नॉट वेल डिफाइंड, ये जो शब्द है ये वेल डिफाइंड नहीं है। डन है। लास्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अपनी कक्षा के सारे लड़कों को कलेक्ट कर दो, ये तो कर ही सकते हो। अब चाहे तुम कलेक्ट करो, चाहे साइड में बैठी प्रिया कलेक्ट करे, चाहे इधर बैठा राहुल कलेक्ट करे, सबका सब सेम ही आएगा, डिफरेंट तो नहीं आएगा। तो ये आंसर सेम आएगा, जितने भी लड़के हैं, बॉय वन बॉय टू, जो भी तुम्हारी कक्षा में 25 लड़के हैं मान लो, तो 25 के 25 आ गए, तो ये वेल डिफाइंड है। डन है। तो ये वेल डिफाइंड है, यस। तो ये सेट है, यस, दिस इज अ सेट। आगे चलें। नेक्स्ट कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर बताओ। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक जाने हैं? 99 तक। 100 नहीं लिखना, 100 से छोटे लिखने हैं, लेस, 100 से छोटा 99। तो यस सेट है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है। रीजन लिख देना, बिकॉज वेल डिफाइंड। डन है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब एक पर्टिकुलर राइटर की बात हो रही है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं वो सबके सब कलेक्ट कर देनी है, तो सबका आंसर सेम आएगा। तो क्या ये सेट है? यस। आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेट है कि नहीं है ये पूछा है। यस इट इज अ सेट। व्हाई? बिकॉज वेल डिफाइंड। आगे चलें। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सारे के सारे जितने भी इवन इंटीजर है उन सबको कलेक्ट कर दो। तो इवन देखो 2, 4, 6, 8, और इधर भी होंगे -2, -4, -6, 0 भी आएगा बीच में, ये सारे के सारे इवन इंटीजर है, एंड सो ऑन। तो सबके लिए सेम आंसर है, तो ये भी सेट बना रहा है, यस। एट है आपके पास कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं? आपके को होमवर्क दिया जाता है ये बताने हैं, सारे के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन लिख के लाना। तो सब सेम ही लिख के लाओगे? देख देख के तो सेम ही करोगे यार, उसमें गलत तो नहीं करोगे। तो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर भी सेट है, यस सेट है। और लास्ट आपके पास नाइन्थ है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे खतरनाक एनिमल बताने हैं। तो किसी को लगता है, राहुल को लगता है कि सबसे मोस्ट डेंजरस खतरनाक जानवर जो है वो है कॉकरोच, हो सकता है उसके लिए। और सचिन को लगता है कि छिपकली है, किसी को लगता है शेर है, किसी को कुछ और लगता है। तो जैसे ही ये शब्द मोस्ट आ गया तो नॉट वेल डिफाइंड आ गया, नॉट वेल डिफाइंड आ गया। तो आप क्या लिखोगे? नॉट अ सेट। क्या ये सेट बनाएगा? नहीं भैया, ये सेट नहीं बनाएगा। मोस्ट, बेस्ट, वर्स्ट, बेस्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये डिफाइन नहीं होते। आगे चले। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट है। क्या करना है? इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, आपको सिंबल अप्रोप्रिएट सिंबल करना है। सिंबल में कितना ऑप्शन है आपके पास? दो ही ऑप्शन है, या तो आप लिखोगे बिलोंग करता है,
ये बिलोंग्स का सिंबल है या डज नॉट बिलोंग, बिलोंग नहीं करता, इस बॉक्स में, इन स्पेसेस में बताना है। तो क्या फाइव एलिमेंट इस सेट में है? ये रहा फाइव, तो यानी बिलोंग कर रहा है इस सेट से, यस। अभी बताया था या तो एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा या गिवन एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करेगा। सेट के अंदर है तो बिलोंग करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब आपके पास आठ एलिमेंट दिया, क्या आठ यहां पे है? नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जीरो है क्या? जीरो भी नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फोर है, फोर, ये रहा फोर, तो फोर बिलोंग कर रहा है। टू, टू भी है तो टू भी बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद टेन, टेन नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कौन कौन बिलोंग किया? फाइव, फोर एंड टू बिलोंग कर रहा है, एट, जीरो, टेन डज नॉट बिलोंग टू। कर लोगे ये क्वेश्चन इस टाइप के? चले आगे, कंसेप्ट समझ जाओ तुम। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। इन सारी इक्वेशन को राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। प्रॉपर्टी दे रखी है, रोस्ट कर देना है, रोस्टर फॉर्म में बता देना है आपको प्रॉपर्टी, ये बता रखी। तो वन बाय वन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, पहला क्या कहता है, ए एक ऐसा सेट है, ठीक है भैया, ए एक सेट है, बताओ उसके अंदर इंटीजर है, अच्छा, और किसके बीच में है? माइनस तीन और सात के बीच के सारे इंटीजर लिखने हैं। अब देखो माइनस थ्री की साइड इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू भी आएगा, यानी माइनस थ्री भी आएगा। तो माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन आएगा क्या? सेवन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो बस सिक्स तक ही आएगा। ये बन गया आपका सेट पहला, लिख दिया आपने रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट लिख लेते हैं, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है, एक्स एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, छह से छोटा नेचुरल नंबर है, तो छह से छोटा बताओ, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स मत लिख देना, लेस देन सिक्स बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है, तो छह से छोटा नेचुरल नंबर ये हो गए। थर्ड बताओ, थर्ड कहता है सी एक टू डिजिट नेचुरल नंबर है, दो डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच डेट सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट, उनकी दोनों डिजिट का जब सम करो तो कितना आए? एट। यानी अगर डिजिट एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई करो तो कितना आए? एट। तो कैसे लिख सकते हैं? देखो वन और सेवन लिखोगे, इन दोनों का सम कितना है? एट। वन सेवन है तो सेवन वन भी होगा, दोनों अलग अलग नंबर है ना, ये सत्रह, ये इकहत्तर है। फिर आप टू सिक्स लिखोगे, छब्बीस, छब्बीस है तो बासठ भी होगा, यानी सिक्सटी टू। फिर आप लिखोगे तीन और पांच पैंतीस, पैंतीस है तो त्रेपन भी होगा, यानी फिफ्टी थ्री। इनका सम कितना आ रहा है? आठ। इसके बाद क्या आएगा? और कुछ आएगा क्या? फोर्टी फोर, फोर प्लस फोर आठ, और एक नंबर बनता है, डेट इज एट जीरो एट्टी, ये भी तो नंबर है। क्या जीरो एट आएगा? क्या जीरो एट नहीं आएगा, जीरो एट जो है वो वन डिजिट नंबर है भैया, टू डिजिट नंबर नहीं है, नंबर से पहले जीरो प्लेस में काउंट नहीं होता, तो 80। तो ये सारे एलिमेंट आ गए सी में, डन है, कर सकते हो, लिखते रहना है ये साथ के साथ, नोटबुक में होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट देखो, एक्स डी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर प्राइम नंबर है विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 के डिवाइजर, लेकिन कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम। तो वन लिख दूं क्या? वन इज नॉट अ प्राइम, वन इज नॉट अ प्राइम। द क्वेश्चन इज वाई, और ये आपको सोच के आना, ये आपका होमवर्क है। वन इज नॉट अ प्राइम, वाई इट इज नॉट अ प्राइम, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सोच के आना है। कल आप मुझे इसका आंसर दोगे या खुद को दोगे, अभी के लिए यही है। तो प्राइम नंबर बताने जो 60 के डिवाइजर हो, तो टू, थ्री, फाइव, उसके बाद सेवन, सेवन 60 का डिवाइजर है नहीं, इलेवन, थर्टीन नहीं, सेवनटीन नहीं, नाइनटीन नहीं, नाइनटीन के बाद प्राइम नंबर 23, 29 नहीं, 31 ओहो नो, 31 के बाद आता है आपके पास 37 नहीं, 37 के बाद, अब तुम देख लो 37 के बाद तो डबल होने लग गई, अगर डिवाइड करता होता तो 30 से छोटे ही आएंगे, इससे छोटे ही 30 से, तो नहीं है, तो बस इतने ही प्राइम डिवाइजर है भैया इसके, टू, थ्री एंड फाइव।
डन है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बनता है? फिफ्थ पॉइंट इज सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड में सारे सेट बता दो, एलिमेंट बता दो कौन से हैं। टी आर आई जी ओ एन, ओ लिखूं क्या? कॉमा से सेपरेट करने, ध्यान रखेंगे हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में। ओ फिर से लिखूं क्या? नहीं, ओ ऑलरेडी आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एम ई टी ऑलरेडी आ गया, आर भी आ गया, वाई, तो ये आपके पास सेट बन गया। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्स पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में सारे एलिमेंट्स बता दो भैया कौन कौन से हैं। तो एफ के अंदर बेटर में बी ई टी, फिर से टी आ रहा है, रिपीट नहीं करना, ई आ रहा है, रिपीट नहीं करना। सेट की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टिंक्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, और आर वो वाला गेम नहीं होता मोबाइल्स में भी आता है कि तुम्हें ये चार वर्ड दिए बी ई टी आर, इनको क्लब करके कोई नया कोई वर्ड बताओ, लेटर दे रखे हैं वर्ड बताओ, रिपीट कर सकते हो इनको, रिपीट करोगे तो बेटर भी बना लोगे इनसे, बहुत कुछ बना सकते हो। तो वही वही चीज है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। चलें आगे, देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है ये आपका। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड करना है, तो यानी आपको क्या बतानी है? कॉमन प्रॉपर्टी बतानी है। रॉस तो किया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में खुला पड़ा हुआ है, इसको आप कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी के माध्यम से पैक कर देना है, तो कर देते हैं। चलो पहला क्या कहता है, पहला देखो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, क्या लग रहा है? तीन के मल्टीपल हैं, तो यानी पहला क्या है, एक्स सच डेट एक्स किसके बराबर है? 3n, 3 के मल्टीपल के बराबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक ही है, तो n की वैल्यू है आपकी 1 से 4 तक। ये बात समझ आई? एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरी 1 से 4 तक है। ये देखो 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, खत्म। सेकंड देख लो, सेकंड कह रहा है 2, 4, 8, 16, 32, तो ये कैसे से है? देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस टाइप के तो एलिमेंट है ये, 2 की पावर टाइप के एलिमेंट है ना। तो क्या बनेगा? एक्स सच डेट एक्स किसके बराबर है? 2 की पावर n के बराबर है, समझे? 2 की पावर n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां से कहां आते हैं? 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 4, 16 5, तो 1 से 5 तक जा रही है। लिख सकते हो ऐसे, इसे ही सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब थर्ड करेंगे, खुद से करेंगे, ये मेरे करने से पहले खुद से बता दो, मैं लिखूं उससे पहले आपके पास आंसर होना चाहिए। क्या कह रहा है? 5, 25, 125, 625, ये भी 5 की पावर ही है। ये देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ गई? एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 1 से लेके कहां तक? 4 तक है। ये चीज को ध्यान से बताना है, 1 कहां से, n कहां से कहां जा रहा है, 1 से 4। और इसके बाद अब हम फोर्थ करेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ देखो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, आगे वैल्यूज जाती जा रही हैं। तो यानी कैसा है? एक्स सच डेट एक्स क्या है? एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हो, इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हो, इवन ही तो है। या इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स सच डेट एक्स किसके बराबर है? 2 टाइम्स n के बराबर है, 2 गुना है ना भाई। सच डेट n कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, कोई लिमिटेशन नहीं है, इन अलग आगे तक जा रही है वैल्यू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इवन नेचुरल नंबर लिख दो 2, 4, 6, 8, या लिख दो एक्स 2 into n के बराबर है, तो भी सारी वैल्यूज 2, 4, 6, 8 आएंगी, समझ गए ना? एक ही बात है। और लास्ट में आपका बचता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या कह रहा है देख लेते हैं इधर। 1, 4, 9 and 100 तक है, 1, 4, 9, तो ये क्या है? स्क्वायर ही तो है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर।
तो क्या लिखोगे सेट में, एक्स सच डेट एक्स किसके बराबर है, एन के स्क्वायर के बराबर है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक है, वन से लेके टेन तक है, ये भी बताना है, एन नेचुरल है, इंटीजर है, रियल है, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, एक से दस जा रहा है, दस के बाद नहीं है ना, आगे एलिमेंट्स खत्म हो गए, सो मैक्सिमम जा रहा है, तो टेन का स्क्वायर, तो एक्स किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करनी है हमें, डन है। ये प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, बता सकते हो, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समझ आया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब सेट की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, तो अब कौन सी फॉर्म निकालनी है, यानी आपको रोस्टर फॉर्म बतानी है, वही है सेम टाइप के क्वेश्चन की, आपको प्रॉपर्टी बता दी, अब आपको बताना है कि बंदा कौन है, इंडिविजुअल कौन है ना, फैला देना है, तो कोमा से सेपरेट कर देना है। पहला बताओ क्या कह रहा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है लेकिन ऑड है, तो कैसे एलिमेंट आएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, क्योंकि कोई लिमिटेशन तो दे नहीं रखी है, तो आगे तक चलते जाएंगे। इसके बाद बी कह रहा है एक्स इंटीजर है और एक्स की वैल्यू -1/2 और एन बाई 2 से लाई करती है, ये देखो ये नंबर लाइन है, ये कहीं -1/2 है, ये कहीं एन बाई 2 है, इनके बीच में सिर्फ आपको इंटीजर बताने हैं कौन कौन से होंगे। अब -1/2 के बाद इंटीजर 0 है, 1, 2, 3, 4, 4 किसके बराबर होता है, 8/2 के बराबर, इसके बाद तो n बाई 2 हो गया, 5 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, -1/2 और -1, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से हैं, 0 से 4, भाई इंटीजर ही तो लिखने हैं, तो b के अंदर आपके पास आ गए 0, 1, 2, 3, डन डील है। नेक्स्ट चलें थर्ड, क्या कह रहा है कि x such that x is an integer, एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है, तो आपको इंटीजर लिखना है, तो एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर करो तो वो 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा आएगा, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 या 4 से छोटा, इक्वल टू भी है, इक्वल टू आ रहा है, और इंटीजर है यानी नेगेटिव भी हो सकता है, तो फिर -1 इसका स्क्वायर 1, -2 इसका स्क्वायर 4, बस। तो सी के अंदर ये वैल्यूज आ गई, ये सारे इंटीजर हैं और इन सबका स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, डन है। आगे चलें, नेक्स्ट सेज, फोर्थ पार्ट सेज, क्या कह रहे भैया, ये कहता है एक्स एक ऐसा लेटर है जो लॉयल वर्ड से बनता हो, तो यानी डी के अंदर कौन कौन से वर्ड आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म है तो कोमा से निकालना है, रोस्टर फॉर्म है तो कोमा से बताना है, L O Y A, अब L फिर से आ गया, रिपीट नहीं करना, रिपीट करोगे तो गलत हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट चलें, फिफ्थ क्या कह रहा है, X एक मंथ ऑफ ईयर है, एक ऐसा महीना है साल का जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन ना होते हो, तो E में क्या होंगे, जैन में तो होते हैं, तो फेब मार्च में भी होते हैं, ऐसे गिनते हैं ना, ऊपर वाले जो आएंगे उसमें 31 दिन जैन, फेब मार्च 31 होते हैं, अप्रैल, मई ऊपर आ गया, जून, फिर जुलाई ऊपर आ गया, नहीं अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर ऊपर आ गया, फिर नवंबर, और दिसंबर में भी 31 है, तो ये वो सारे साल के महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, नवंबर में 28 या 29 होते हैं और बाकी सब में 30 डेज होते हैं, है ना, इसीलिए ई में ये सेट आ गया। अब आपके पास बचा है सिक्स पोर्शन, सिक्स क्या कहता है, एक्स इज कॉन्सोनेंट, एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, भाई इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं, या तो वोवल्स होते हैं, वोवल्स कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, या फिर जो भी जो बच गए उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो एक ऐसा कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट का विच प्रसीड्स के, जो के से पहले आता हो, क्या बोला, विच प्रसीड्स के, जो के से पहले आता हो, तो लिख लेते हैं, अब एबीसीडी गाना शुरू करेंगे, ए, ए तो वोवल हो गया, कॉन्सोनेंट नहीं है तो नहीं आएगा, बी, सी,
डी, ई, ई भी वोवल में आ गया तो नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई, आई इसमें आ गया तो नहीं आएगा, जे, और फिर आ गया के, पर के से पहले पहले बताने, के भी नहीं बताना तो खत्म हो गया। कर सकते हो, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, डन है, नेक्स्ट चलें। और ये आपका आज का आखिरी सवाल है, क्या कह रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, फर्स्ट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको मैच करना है। ये दे रखे आपके पास रोस्टर फॉर्म, ये दे रखी सेट बिल्डर फॉर्म, अब तुरंत से मैच करवा दो। 1 2 3 6 किस में आएगा, देखो सबसे पहले, सबसे पहला काम है ये वाले वर्ड्स वाले, MATHEICS, ये कौन से वर्ड से बना, ये मैथमेटिक्स से बना, तो ये तो डी के पास आ गया, ये रहा वर्ड, है ना, ये डी को मैच कर गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद नंबर है, इधर से शुरू करेंगे, एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि 6 का डिवाइजर है, तो 6 का डिवाइजर प्राइम कौन होगा, 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 2 और 3 यही दो डिवाइजर होंगे, तो 2 और 3 सेकंड में है, तो ये यहां से मैच कर गए। नेक्स्ट देखो, एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा हो, ऑड है और 10 से छोटा, 1 3 5 7 9 किधर है, ये रहे। और लास्ट बच गया, एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 6 का डिवाइजर हो, तो 6 का डिवाइजर कौन है, 1 2 3 6, 6 खुद का भी तो है, तो ये सारे के सारे गुण किस में है, फर्स्ट में, तो ये हमने मैच द फॉलोइंग कर दी, डन है, समझ आया। तो आज की क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी, एक मैं क्विक रिविजन दे देती हूँ, आज की क्लास में हमने पढ़ा सेट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन मतलब एकत्रित करना, कलेक्शन का तात्पर्य ये होता है कि आप ए कॉमा बी लिखो या बी कॉमा ए लिखो, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। उसके बाद है आपके पास वेल डिफाइंड, यानी जिसमें सबका आंसर सेम आता हो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रिपीटेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो भी नंबर इसमें, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को छोटे लेटर से। फिर दो चीज पढ़ी, एक होता है बिलोंग टू, एक होता है डज नॉट बिलोंग टू, या तो एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा या सेट से बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा सेट के दो प्रकार होते हैं लिखने के, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या चीज होती है, प्रॉपर्टी होती है, और एक होता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनमें कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स ऐसे दे दिए जाते हैं, रॉस कर रखा है, खुले हुए पड़े हैं एलिमेंट्स, इसमें प्रॉपर्टी है बिल्ड कर रखे, अपनी बिल्ड कर रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है, बस इतनी सी कहानी है। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, ये खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास में जो है हम 1.2 पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग, थैंक यू।